मर्यादा का पालन करें, तीर्थ पुरोहितों का कहना माने, नहाते समय आगे ज्यादा पानी की ओर ना जाए, दुर्घटना से बचे, अपने सामान व कपड़ों की हिफाजत के लिए नहाते समय अपने किसी परिचित को सामान व कपड़ों के पास खड़ा रखें, पुष्कर मर्यादा का पालन करें, पुरोहितों का कहना माने। आज पुष्कर घाट से बाहर से पधारे हुए गुजर करौली की ये टीम, जहाँ पर गुजर आंदोलन की पैदाइश हुई थी, मर्यादा का पालन उसके संस्थापक सदस्य पुरोहितों का कहना हमारे साथ एडवोकेट अतर सिंह जी, डॉक्टर मानदाता जी, कप्तान रेंडायल जी और हमारे सब करौली के भाई इस बात पर बहुत फक्र महसूस करते हैं कि 1998 से चली ये यात्रा आज 2022 में पहुंचकर पुष्कर में विलीन हुई है। हमारे पिता तुल्य नेता को जो सम्मान मिला, 23 जिलों में नहीं देश की संसद के अध्यक्ष की उपस्थिति में जो सम्मान मिला, केवल अपने प्रांत में नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जहाँ वहाँ से सबके सामाजिक नेता आए, दुर्घटना से बचे, हमको अपने कपड़ों जनरल बैसला के जिले के वासी होने का, उनके साथी होने का, उनके साथ काम करने का बहुत गर्व है। पालन करें, हम समस्त लोगों ने जिस कार्य में सहयोग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको नमन करते हैं और जनरल साहब को भी ये प्रार्थना करते हैं, जहाँ भी रहे हम पर आशीर्वाद रखें, देवता तुल्य हो गए हैं, इसलिए लौट लौट के आए और हमारी तरफ जन्म अपने मार्गदर्शन करें। अपने कर्नल बेसला, कर्नल बेसला मर्यादा का पालन करें, एक सामाजिक नेता के साथ ज्यादा गहरे इतना लंबा सफर जाए, हमको काम करने का मौका मिला। हम छोटे छोटे थे, ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने हमको चलना सिखाया, बोलना सिखाया और सामाजिक आंदोलन को एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचा करके समाज को लाभान्वित करने का काम किया। आज कर्नल बेसला की वजह से इस राजस्थान में कम से कम 10,000 घरों में कर्मचारी और अधिकारी सरकारी पैसे से अपने घरों को चला रहे हैं। अपने प्रत्येक घर में गुजर रिजर्वेशन के नेता की वजह से आज उनके बच्चे को किसी को स्कॉलरशिप मिल रही है, किसी को स्कूटी मिल रही है, कोई बड़ी से बड़ी पढ़ाई जिसको ये पिछड़ा हुआ समाज वहन नहीं कर सकता था, आज इस लीडर की वजह से आज इस पिछड़ी हुई जाति को भी आगे की उड़ान भरने का मौका मिलने का सम्मान। हमने सभी यात्रियों से निवेदन ये प्रण लिया था कि जिस दिन हमारा लीडर जाएगा, जाना सबको होता है, हमारे लीडर की अधिक उम्र थी, अस्वस्थ थे, उस दिन हमारी इस टीम ने और पूरे राजस्थान के भाइयों ने, संघर्ष समिति के लोगों ने ये निर्णय लिया था कि जिस दिन हमारा लीडर इस दुनिया से चला जाएगा, हम उसके इस वर्ग को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो किया उनकी जो सब यात्रा हुई वो 200 किलोमीटर लंबी, लाखों लाखों लोग रहे,
आज अस्थि विसर्जन यात्रा ये भी 24 दिनों में होकर के पुष्कर की धरती पर लाखों लाखों लोग आए, सबने अपने ध्वनि के साथ इस पुष्कर सरोवर में किया, बहुत अच्छा रहा। विशेष धन्यवाद हम उन लोगों का देंगे, राजनीतिकों का, जिन्होंने हमारे लीडर की महत्वता को समझा, वो अपने दलों से चल के अपनी जातियों से हट करके हमारे लीडर को श्रद्धांजलि देने आए। साथ के साथ हम हमारे समाज के उन भाइयों को भी धन्यवाद देंगे जिन्होंने सामाजिक कार्य में राजनीति करके और इस पवित्र माहौल को बिगाड़ने का काम किया। हे पुष्कर महाराज, सबको सद्बुद्धि दे, उनको भी सद्बुद्धि दे जिनने ये रणनीति नची थी इस लीडर के काम को बिगाड़ने की, उनका सुपड़ा साफ कर देना। कर्नल फैसला, बहुत अच्छी अच्छी बात ये हुई। एक नेताजी ने कहा कि पूरे देश के सांसद जिसको नमस्कार करते हैं, उस संसद का अध्यक्ष आज हमारे नेता कर्नल करोड़ी को नमस्कार कर लिया है। पुरोहितों का कहना माने, केवल गुजर समाज के नेता नहीं, नहाते समय जाट और चौधरी समाज के नेता और भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने पूरी प्रशंसा की। 7 बार के विधायक राजपूत समाज के श्री राजेंद्र जी राठौड़ ने कर्नल साहब के संघर्ष को और इन साथियों के संघर्ष को बहुत बहुत नमस्कार किया। ब्रह्मांड समाज के अरुण चतुर्वेदी जी ने, सिंधी समाज के श्री देव नानी जी ने, मुस्लिम समाज के स्थानीय पुष्कर की विधायिका जी ने, पूर्व विधायक नसीम अख्तर जी ने, हाणका समाज ने और हमारे रेबरी समाज, वो तो हमारे हिस्सा ही है, बंजारा समाज के मानसिंह जी ने और हमारे पूर्व विधायक भाइयों ने भी आज केवल सामाजिक बात की। और हम दुआ करते हैं कि हमारे नेताओं को भी जो आगे और 75 साल चलने का और प्रजातंत्र में अपना हक हासिल करने की आज अग्नि पैदा हुई है और लंबी है। डॉक्टर मानदाता जी हमारे संस्थापक सदस्य, पिछले 15 साल से चला ये कर्नल फैसला और ये संघर्ष समिति का संघर्ष आज अंतिम रूप ले चुका है। इस संघर्ष समिति के मुखिया आज अपने उसमें विलीन हो गए और वो हमसे खोकर भगवान बन गए। मैं तो इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि इस समाज में एक भूल जमी हुई थी, अंधेरा छाया हुआ था, सत्य लोगों की शहादत के बाद हमारे इन योद्धाओं के सहयोग से कर्नल बेंसला के नेतृत्व से आज उस समाज का अंधेरा छटा है, उसकी धूल छटी है और समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं और समाज के अच्छे अच्छे आज पोस्टों पे लोग जाने लगे हैं। मैं तो युवा वर्ग से यही अपील करूंगा कि फेसबुक और ये फालतू की चीज छोड़कर केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। जो संघर्ष समिति ने, गुजर समाज के संघर्ष ने आपको ये 5% रिजर्वेशन दिलाया है, इसका पूरा समाज लाभ ले, खासकर पढ़ने वाले लोग। मैं यही कहना चाहूंगा रमा, आज एक और विशेष बात थी, कप्तान साहब बताएंगे। इस सभा के मुख्य स्टेज पर, सबसे ऊंचे स्टेज पर हमारे शहीदों के परिजन बैठे थे। ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि शहीदों को इतना सम्मान मिले और उनको भी हमने साथ के साथ तर्पण किया है। उन सभी 73 शहीदों के आत्माओं की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज इस जो टीम में सबसे ज्यादा काम एडवोकेट अख्तर सिंह, गुरबंद सिंह मानदाता और कई लोगों ने किया है, और जो लोकल अजमेर के जिन लोगों को राजनीतिक कांग्रेसियों ने, बड़े कांग्रेसियों ने जो अपमान कराया है, ये अपमान कभी भी समाज भूलेगा। ये समाज का बहुत बड़ा गलत काम हुआ है, इससे बड़ा ही प्लानिंग के साथ काम हुआ है, ये बड़ा गलत हुआ है, इसके लिए वो महसूस करेंगे। ये लोग जो कुछ लोग ऐसे हैं समाज के जो दोहरी चाल करके इस तरह की अफवाह बूटिंग कराना किसी के साथ, ये बहुत गलत हुआ है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। बहुत गलत हुआ है जो यहाँ के लोकल नेताओं की वजह से नहीं, अजमेर समाज ने 1.5 लाख लोगों को 2 लाख से ज्यादा अजमेर के गुजर समाज ने पूरी स्टेज संभाली
पूरा उन्होंने दो दिन का इतना आनंद किया है। समाज कंटक कुछ लोग थे, समाज कंटक लोग थे जिन पर अपने कपड़ों उस स्थिति में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता था। हम तो यही कहते हैं भगवान सबको सदबुद्धि। अजमेर के लोगों ने तो इतिहास रचा है, आज खाना दिया। आज कर्नल बेसला जी की अस्थि विसर्जन जो कार्यक्रम था उसको ऐतिहासिक बनाया, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस टीम के साथ में कर्नल बेसला जी की अस्थि जो विसर्जन अस्थि विसर्जन की हमने पुष्कर में, और मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया, आपको सबको धन्यवाद। दिल्ली से राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति के श्री अंतराम तंवर पधारे, कार्यकारी अध्यक्ष श्री रणवीर चंदीला पधारे, पलवल से विधायक श्री सुभाष पलवल पधारे, विपक्ष के नेता दिल्ली सरकार में श्री रामवीर विधुड़ी पधारे, पूर्व विधायक मान सिंह जी, जवाहर जी बेडम ये भी स्टेज पर रहे, श्रीमती अलका सिंह जी रहे, अतुल प्रधान जो हमारे बहुत ही युवा फायर ब्रिगेड नेता हैं वो पधारे, जयंत चौधरी पधारे जिनकी अपनी एक राष्ट्रीय पार्टी है, गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर जी पधारे, और ऐसे बहुत वीआईपी हैं जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, जो हमारे सामने उस भीड़ के समंदर में दिख नहीं पा रहे थे। हम सबको भाषण देने का भी मौका नहीं दे पाए, बस आज तो सिर गिनने का मौका था, थोड़ी कहीं ज्यादा समझना। सबका बहुत बहुत कल्याण हो। राम राम। कंदल बैसला, कंदल बैसला, कंदल बैसला, बोल पुष्कर महाराज की। नहाते समय वाराणसी में सामान व कपड़ों के पास खड़ा रखे, पुष्कर मर्यादा का पालन करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफल बनाया, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।